महात्मा गांधी ने क्या बदल किया। और मैं समझता हूं इस बात को अगर हम समझ लें तो 2017 टू 2022 हमें कहां जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, किसके भरोसे जाना है, किसके लिए जाना है, इसके सारे सवालों का जवाब अपने आप मिल जाएगा। और इसलिए गांधी ने क्या किया, व्यक्तिगत रूप से देश के लिए मर मिटने वालों की कोई कमी नहीं थी। लोग फांसी के तख्त पर चढ़ रहे थे, अंडमान निकोबार की जेलों में अपनी जवानी खपा रहे थे, लेकिन गांधी ने हर इंसान को आजादी का सैनिक बना दिया, हर नागरिक को। एक ऐसा माहौल बनाया कि टीचर हो, पढ़ा रहे हो, मन में भाव लो कि मैं आजादी के लिए दे उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तुम सफाई का काम पहले भी करते थे, आज भी करते हो, लेकिन तुम सफाई का काम कर रहे हो देश की आजादी के लिए। तुम किसान हो, खेत जोतते हो, खेत में काम करते हो, पहले भी करते थे, अब भी करते हो, लेकिन मन में भाव भरो कि मैं देश के लिए किसानी कर रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान में हर किसी ने के मन में यह भाव पैदा किया गांधी ने कि वो जो काम कर रहा है वो देश के लिए कर रहा है, देश की आजादी के लिए कर रहा है। और अंग्रेजों के लिए इस बात को समझना बड़ा मुश्किल था। कोई रोड पर निकल करके सामने खड़ा हो जाए उस पर गोली चलाना अंग्रेज के लिए सरल था। कोई सामने खड़ा हो जाए पकड़ करके जेल में डाल देना सरल था। लेकिन वो अपने घर में ही काम कर रहा है लेकिन कह रहा है मैं तो आजादी के लिए कर रहा हूं, उसको कैसे करें। गांधी ने आजादी को मास मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया और मास मूवमेंट में कन्वर्ट किया तो आपने देखा कि इतना बड़ा परिणाम मिला। आज हमारे देश में आगे बढ़ने के लिए हर सरकार ने प्रयास किया है, जिसकी जहां जिम्मेवारी रही होगी उसने प्रयास किया है, लेकिन आजादी के बाद डेवलपमेंट यह मास मूवमेंट नहीं बना पाए। हमें देश को यहां ले जाना है, हम ये करके रहेंगे। अगर मेरे देश में इतने डॉक्टर हो और डॉक्टर के मन में एक स्पिरिट हो कि अब न्यूट्रिशन की समस्या का समाधान के लिए हम इतनी मेहनत करेंगे, चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए हमारा ये कंट्रीब्यूशन होगा, नई पीढ़ी के लिए हम ऐसे ले जाएंगे, माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इसको हम ग्लोबल स्टैंडर्ड की बराबरी में लेके आएंगे, अगर ये भाव पैदा हो तो कौन कहता है कि देश में बदल नहीं आ सकता है, कौन कहता है कि सरकारों की जरूरत है। सरकार सिर्फ कैटलिक एजेंट के रूप में काम करते रहे, देश अपने आप चल पड़ सकता है। और इसलिए आज हम 2017 में हैं, जबकि क्विट इंडिया के 75 साल हुए हैं और आजादी के 70 साल हुए हैं। 2022 आजादी के जब 75 साल करेंगे, हम अपने कंट्रीब्यूशन के लिए के द्वारा देश को यहां से यहां ले जाएंगे। ये मुझे माहौल बनाना है।